और अभी कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूं। नेताजी के साथ गांधी जी की एक फंडामेंटल बहस हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस फेवर में थे कि हिटलर से हेल्प लेना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हिटलर जो है वो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और 1945 में हमने क्या देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों ने उनकी जान चली गई। और गांधी हिटलर को चिट्ठी लिखे और गांधी ने कहा कि प्लीज स्टॉप द वॉर, यू कैन ओनली स्टॉप द वॉर। अभी भी एक वॉर का सिचुएशन है ना, ऑनेस्टली मुझे बताइए, कोई है जो इस वॉर को रोक सकता है तो वो है पुतिन, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मीडिया चाहे जितना भी म्यूजिक बजा ले, मोदी जी के हाथ में नहीं है कि वो वॉर रोक देंगे। इस वॉर को अगर कोई रोक सकता है तो वो पुतिन है। लेकिन पावरफुल लोग कहते हैं ना कि पावर, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगर ग्रेट पावर हाथ में आए तो इसका डेंजर रहता है कि वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाए। तो जो लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो इस कंट्री से प्यार करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद सब एक ही पार्टी के जो है पार्ट थे। क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन यह है कि देश अगर बचेगा तो फिर देख लेंगे कि कौन क्या बनेगा, पहले उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है।